हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सनी लियोन के बारे में, साथ ही बात करूंगा उनके हस्बैंड डेनियल वेबर के बारे में। इन दोनों पर एक मुकदमा अब चलने वाला है, कहीं ना कहीं एक लीगल केस होते जा रहा है इनके ऊपर। आखिर रीजन क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दो कि सनी लियोन है बिग बॉस में, सबसे पहले उन्होंने एंट्री मारी थी। उसके बाद उन्हें सबसे पहली फिल्म हमें जो पता था उसके हिसाब से ऑफर हुई थी, जिसमें टू, जिसे पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। लेकिन उसी दौरान उन्हें एक और फिल्म भी डायरेक्ट हुई थी जिसका नाम था डेंजरस हुस्न। हुस्न अजीब सा नाम है, नाम बीके फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन डेंजरस हुस्न फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म थी, जहाँ पर डेनियल वेबर और सनी लियोन दोनों एक साथ काम करने वाले थे। कहा जा रहा है कि दिनेश तिवारी, जिसने ये फिल्म डायरेक्ट की है या डायरेक्ट कर रहे थे, दिनेश तिवारी का कहना है कि उन्होंने अप्रोच किया था सनी लियोन को इस फिल्म के लिए, लेकिन सनी लियोन ने नाम सजेस्ट किया उनके हस्बैंड का, डेनियल वेबर का। तो डेनियल वेबर के साथ पहला शेड्यूल तो 15 दिन का कम्प्लीट हो गया कहीं ना कहीं, उसके बाद दूसरा शेड्यूल के लिए इनकार करने लगे डेनियल वेबर, ऐसा कहना है दिनेश तिवारी का, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है। वहीं अगर बात की जाए डेनियल वेबर की तरफ से, ये स्टेटमेंट आया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं हमेशा डेट्स के लिए अवेलेबल था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी शूटिंग के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि जो क्रू मेंबर थे उन्हें 10 दिन तक का पे नहीं मिला था जब वो शूटिंग के दौरान ये कर रहे थे शूटिंग इस फिल्म की। उसके बाद उन्होंने सेट्स वगैरह सब तोड़फोड़ दिए थे, इस तरह का बयान है डेनियल वेबर का। और कहा जा रहा है कि 15 लाख उन्हें दिए गए थे और इस फिल्म के लिए डेनियल वेबर को, ताकि वो इस फिल्म का हिस्सा बन सके, और साथ ही सनी लियोन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट डांस प्ले करने वाली थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड कर दिया है मेकर्स ने, दिनेश तिवारी ने। अब देखते हैं केस में क्या निकल के आता है, क्योंकि एक तरफा जहाँ पर दिनेश तिवारी इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं सनी लियोन और उनके हस्बैंड पर, डेनियल वेबर पर, वहीं डेनियल वेबर सीधे से इस चीज़ों का इनकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखते हैं लीगल पछड़े में किस तरह से सनी लियोन अपना बचाव करती है या उनके हस्बैंड कितना बचाव करते हैं। और ये खबर मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि ये सनी लियोन है, ये ऐसा वैसा, बट ये है कि अभी तक उनके जो 2-3-4 साल का करियर है, जब तक एक बार भी उनके ऊपर कोई ऐसे आलोचनाएं नहीं उठी, उनकी फिल्मों को लोगों ने सराहा, पसंद किया। ये पहली बार आई थिंक कुछ ज़्यादा लेवल का, एक थोड़े बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स उनके सामने खड़ी हो रही। तो कितनी सच्चाई है डायरेक्टर की बातों में और यस डेनियल वेबर की बातों में, जल्दी पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है स्टोरी के बारे में, आप जरूर बता सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें बात चली तो आपको इसी तरह अपडेट करते रहूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की अपडेट आप आगे भी पा सके। चलिए, बाय बाय।